फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे. सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? सो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि उसको हम थर्मल रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें थर्मल रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, मगर ये रिफ्लेक्ट करने की जगह क्या करता है कि सारा जो रिफ्लेक्शन है खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. उसके बाद वो, क्योंकि थर्मल रेडिएशन जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली विद अ कांस्टेंट रेट, तो वो कांस्टेंट रेट से उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है. और क्योंकि वो बॉडी सेल्फ ल्यूमिनियस हो जाता है तो वो हीट को और जो रेडिएशन है उसको इमिट कर देता है, ठीक है. और हम उस बॉडी को बोलते हैं कि वो एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है. तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है. ये उसका इनर वॉल है और ये उसका कैविटी है, ठीक है. यहां से कुछ रेडिएशन हम उसको, थर्मल रेडिएशन उसको दिए, ठीक है. तो वो क्या करेगा, वो यहां से फिर यहां इनर वॉल से टकराते हुए वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलेंगे, वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में जाएगा. मतलब यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहां से फिर यहां से. तो ऐसे होते होते क्या होगा कि वो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन में इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बॉडी हीट हो जाएगा. और वो जो हीट हो जाएगा उसके बाद फिर वो क्या, कैविटी से फिर वो बाहर निकालता है. दैट इज, कैविटी से वो रेडिएशंस को बाहर निकालेगा और दैट रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इसका जो रेडिएशन होता है, जो मतलब बाहर अंदर जाता है, वो इज इक्वल टू होता है जितना वो इमिट करता है, ठीक है. दैट इज द रेडिएशन विच अंडरगोज इनसाइड इज इक्वल टू द रेडिएशन विच इट इमिट्स, ठीक है. तो यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम हीट या फिर थर्मल रेडिएशन प्रोवाइड करवाए और वो रिफ्लेक्ट ना करने के वजह वो खुद में ही रीअब्सॉर्ब करने लगे, वो बॉडी हीट हो जाए, सेल्फ ल्यूमिनियस हो जाए और उसके बाद वो इमिट करे, रेडिएशन को इमिट करे, तो उस रेडिएशन को जो वो इमिट करता है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, ठीक है. तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो कैविटी रेडिएशन, मतलब कि यहां से जो वो इमिट करता है रेडिएशन को, वो मोर इंटेंस होता है देन द रेडिएशन फ्रॉम अ नॉन ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर. दैट इज कैविटी रेडिएशन इज मोर इंटेंस, दैट इज मोर, उसका जो कैविटी रेडिएशन होता है उसमें ज्यादा पावर होता है, मोर स्ट्रेंथ होता है देन अ नॉन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज मोर इंटेंस देन द रेडिएशन फ्रॉम अ नॉन ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक बॉडी का, ठीक है ना. उसके बाद जो है वो है कि एट गिवन टेम्परेचर ये जो रेडिएट करता है, दैट इज इमिट करता है ब्लैक बॉडी, उसका जो एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मटेरियल का शेप का, साइज ऑफ द कैविटी का, ठीक है. इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो कैविटी रेडिएशन होता है, दैट इज ई, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी का पावर 4. एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4. और ये जो सिग्मा है उसको हम बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है. बोल्ट्जमैन इसको अभी कांस्टेंट बोलते हैं
और इफ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ को हम प्रूव भी कर चुके हैं हमारा एक वीडियो में प्लैंक्स कांस्टेंट के मदद से, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। ठीक है, इसका जो चौथा प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम दूसरा वीडियो में उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि उसका जो रेडिएशन इमिट होता है अगर हम उसको ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू और लैम्डा के रेंज में ले तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और वो क्या है कि वो भी इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मटेरियल का, शेप का और साइज का। सो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, यू कैन चेक फ्रॉम दैट।